हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं VMMC सफदरजन का स्टूडेंट हूँ। अब यार, आप लोगों को हमारे सीरीज़ के बारे में पता ही होगा, जिसमें हम आपको रिवीजन शीट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे जो आपकी स्टडी है वो लिमिटेड हो सके, आपको पता चल सके कि आपको किन चीज़ों पर मेहनत करनी है लास्ट के टाइम में। क्योंकि अगर आप गिनती के महीने बचे हैं, अगर आप अभी भी रैंडमली चीज़ें पढ़ते रहोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि एंड के टाइम पे आप समझ नहीं आ पाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो एफिशिएंट हो भी रहे नहीं हो रहा। तो यार बस यही बता रहा हूँ आपको कि अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ, जैसे भी बढ़ा सकते हो सोचो कहाँ दिक्कत रह रही है कहाँ नहीं रह रही। अब आज के चैप्टर की बात कर लेते हैं। आज का हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। इकोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नीट में। नॉर्मली जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, मैं भी इसे लाइटली ले लेता था कि इकोलॉजी यार इजीली हो जाती है, पर नीट में इसकी वेटेज ज़्यादा है, तो इस पर भी ध्यान दे लेना यार, अच्छे से लाइटली मत छोड़ना। अब स्टार्ट करते हैं। तो NCERT में पहले पेज पे इकोलॉजी का कुछ ज़्यादा खास दिया नहीं है, बेफिजूल के क्वेश्चंस हैं चैप्टर इंट्रोडक्शन के लिए, तो इस पेज को आप इग्नोर कर सकते हैं यार। दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसमें सीधा सीधा सबसे पहले तो हमें एक ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा ये दिखा के ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो ये ग्राफ तो रट ही लेना यार, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इस पर, तो सीधा सीधा ये फोटो आ सकती है पेपर में आपके। अब उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इस पेज में भी उसके बाद ज़्यादा कुछ खास है नहीं, एक बार रीडिंग ले लेना यार। ज़्यादा अगर क्वेश्चन एंड वाले टॉपिक से आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, एक बार इस पेज की आप रीडिंग ले लेना। अब जो हमारा ये फोटोज वगैरह आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए आपको, क्योंकि जो पिक्चर्स हैं जितनी भी NCERT में दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ भरोसा नहीं है नीट में कौन सी पिक्चर उठा के डाल दें, तो यार एक बार ये देख लेना। अब उसके बाद मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, ये यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन फैक्टर्स पे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले टेम्परेचर, इसकी पहली लाइन ही इम्पोर्टेंट है कि जो टेम्परेचर है हमारा मोस्ट इकोलॉजिकली रेवलेंट एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन बनते हैं इस लाइन पे ही। अब इसके रेंजेस, ठीक है यार, रेंजेस पता होने चाहिए। ये एक बार लाइन सारे पढ़ लेना कि स्नोली ये जो सारी लाइन्स दी हुई है ये सीधा सीधा स्टेटमेंट में आ सकती है, तो एक बार ये पढ़ लेना यार। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स आपको लाइन टू लाइन पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से चांसेस हैं कि सीधा सीधा लाइन उठा के ही आपसे पूछ लें, तो ये पढ़ लेना। अब अगले फैक्टर पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल एनिमल्स, इनका डिफरेंस देख लेना यार कि यूरीथर्मल होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं, स्टेनोथर्मल होते हैं और नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। NCERT में यहाँ पर कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिए यूरीथर्मल और स्टेनोथर्मल के, पर आप अपने लेवल पे जहाँ जो भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ते हो या जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो वहाँ से यार 2 या 3 एग्जाम्पल ट्राई करना कि याद रख लो, क्योंकि टाइम चांसेस कम है कि पेपर में एग्जाम्पल है, ज़्यादातर तो डेफिनेशन और मतलब ही पूछते हैं, पर एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको। अब अगले फैक्टर पे चलते हैं। अगला फैक्टर है हमारा वाटर। फिर भाई यहाँ पे पहली लाइन में ये है कि नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे वहाँ पे स्टर्नोथर्मल और यूरीथर्मल था, ऐसे ही यहाँ पे स्टर्नोहेलाइन और यूरीहेलाइन है, ये याद कर लेना यार। सेम चीज़ है ये भी, ये आपको पता होना चाहिए इनका मतलब। जैसे उसमें टेम्परेचर रेंज था, इसमें बस सेलिनिटी रेंजेस आ जाती है। अब उसके बाद आपको जो सेलिनिटी रेंजेस यहाँ पे NCERT में दी हुई है वो आपको पता होनी चाहिए कि कितनी रेंज पे आप वाटर को इनलैंड वाटर्स का होगे, कितनी रेंज पे आप उसको सी वाटर का होगे और कितने रेंज पे उसे आप हाइपरसेलाइन का होगे, ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा तीसरा फैक्टर आ जाता है इम्पोर्टेंट, वो है हमारा लाइट। लाइट जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वही आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होते हैं, इस लाइट इज़ द ओनली प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है यार। अब
इसे भी पढ़ लेना कि कुछ प्लांट्स अर्बन श्रब्स अडोप्टेड टू फोटोसिंथेटिक ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशंस, ये अडोप्टेशन में आ जाता है पॉइंट यार। तो ये जो पूरा पहरा है यार, ये एक बार रीड अच्छे से पढ़ लेना यार जी। फिर से आपको बता रहा हूँ, एबिलिटी फैक्टर्स जितने दी हुई हैं ये लैंड टू लैंड पढ़ जाना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं इन पे अच्छे से, इजीली क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद हमारा सोयल आ जाता है, तो ये चार एबिलिटी फैक्टर्स हैं, इन्हें पढ़ लेना। अब जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रिस्पॉन्स टू एबिलिटी फैक्टर्स। इसमें ये फिर से ग्राफ आ जाता है कंफॉर्मर्स का, रेगुलेटर्स का और पार्शल रेगुलेटर्स का। कंफॉर्मर्स आपके वो होते हैं जो अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और रेगुलेटर्स हमारे होते हैं जो अपने इंटरनल लेवल जो है मेंटेन कर पाते हैं, जैसे कि ह्यूमंस। उसके बाद पार्शियल रेगुलेटर्स जो एक रेंज तक अपनी हीमोस्टेसिस जो है मेंटेन कर पाते हैं, उसके बाद नहीं कर पाते। तो इन तीनों चीज़ों की डेफिनेशन और ये ग्राफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, नेट में इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, और ये ग्राफ तो आया भी हुआ है, बार बार आने के चांसेस भी हैं, तो ये पढ़ लेना। अगले पेज पे वही इनकी डेफिनेशन दी हुई है रेगुलेटर की, कंफॉर्मर की। इसमें जितनी भी एग्जांपल्स दिए हैं यार वो पढ़ लेना आप, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो एटलीस्ट कर ही लेना, रेगुलेटर्स के हो गए या कंफॉर्मर्स के हो गए। बाकी चीज़ें आप फिर भी छोड़ सकते हो, एक्स्ट्रा मत करना चाहे, पर जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हैं वो अच्छे से पढ़ लेना यार। अब उसके बाद जो एक तो दो टाइप ऑर्गेनिज्म तो ये हो गए यार जो रेगुलेट कर लेते हैं या फिर कंफर्म रहते हैं, मतलब रेगुलेट नहीं कर पाते। उसके बाद कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि बर्ड्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए यार, जो माइग्रेट कर जाते हैं जब भी एडवर्स कंडीशन आती है। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो सस्पेंड कर जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजी एंड लोअर प्लांट्स, ये याद कर लेना यार। माइग्रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, माइग्रेट में सिर्फ एग्जांपल पता होना चाहिए, सस्पेंड वाली जो स्टेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डायापोस, इन तीनों के एग्जांपल, इनके मतलब, ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ये पढ़ लेना आप। अब उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है अडोप्टेशन। अब सबसे पहले तो अडोप्टेशन का मतलब क्या होता है, अडोप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट एनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। जो अडोप्टेशन से आपको पता ही है कि ऐसे एकदम से नहीं आती, ओवर अ एवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ टाइम इवोल्व करती हैं। तो अडोप्टेशन में भी जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि ओपनशे का एग्जांपल दिया हुआ है, ये डेजर्ट प्लांट की मॉडिफिकेशन दी हुई है, जितनी भी मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, जैसे कैंगरू रेट की मॉडिफिकेशन दी हुई है, तो ये पढ़ लेना यार। एनसीईआरटी के अडोप्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं अडोप्टेशन पे, और नीट में भी आ जाते हैं सीधा सीधा ही। अब उसके बाद एलन्स रूल, एलन्स रूल आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर में, ये पढ़ लेना यार। और पोलर से एक्वेटिक एनिमल्स में ब्लबर होते हैं, एक और अडोप्टेशन। अब ये हमारा एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में दिया हुआ है यार, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बचपन से भी सुनते आ रहे हो एल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में, आपको पता ही होगा कि हायर एल्टीट्यूड पर जाने में ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर फोटो जो है वो कम हो जाते हैं, उसकी वजह से ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है, पर ओवर अ टाइम हमारी बॉडी एकोमोडेट कर लेती है उस चीज़ को, तो ये पढ़ लेना यार। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन फॉर्म में दिए हुए हैं, आंसर नहीं दिए हुए पर क्वेश्चन फॉर्म में दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर्स वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो, हाउ डू दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग। ऐसे ऐसे जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं यार, उनके आंसर्स देख लेना, चांसेस है कि नीट में आपका पूछ लें। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे डेजर्ट लीजर्स की बिहेवियर रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं, ये भी एक फॉर्म ऑफ अडोप्टेशन ही है टू रिस्पॉन्स टू द एडवर्स कंडीशन इन द एनवायरनमेंट, ये पढ़ लेना यार। तो ये तीन चार जो जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे, तीन चार एग्जांपल्स दिए हैं अडोप्टेशन में, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे पढ़ लेना, इनमें से किसी एक पे भी आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं, वो है पॉपुलेशंस। सबसे पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स यार आप लोगों को पता ही होंगे, वही बर्थ रेट, डेथ रेट, पर कैपिटा बर्थ रेट्स, पर कैपिटा डेथ रेट्स, इनकी डेफिनेशन आपको पता ही होगी यार, एक बार रीड मार लेना। पर इसमें से आपको मेनली ये चीज़ याद करनी है कि बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, सक्सेस रेशो क्या होती है, ये चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी।
उसके बाद हमारे एज पिरामिड्स आ जाते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के। तीन टाइप के एज पिरामिड्स होते हैं, सबसे पहले एक्सपेंडिंग, फिर स्टेबल, फिर डिक्लाइनिंग। जो आपका एक्सपेंडिंग है वो आपका डेवलपिंग पॉपुलेशन को शो करता है, जो आपका स्टेबल है वो डेवलप्ड पॉपुलेशन को शो करता है, और जो आपका डिक्लाइनिंग है आपकी रिग्रेसिंग पॉपुलेशन को शो करता है। तो ये तीन टाइप के ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आपने पहले भी चैप्टर्स में पढ़े होंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में भी सेम ग्राफ दिए हैं। तो ये तीनों पता होना चाहिए यार, ये ग्राफ क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ग्राफ आइडेंटिफाई करना। सीधा सीधा पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेज़र होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेज़र होती है वो यहाँ दिए। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, नंबर से पॉपुलेशन डेंसिटी मेज़र करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार इतने सारा काउंट आप नहीं रख पाओगे। तो डिफरेंट वेज होती है जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी आप मेज़र कर सकते हो, वो यहाँ पे दी हुई है यार। ये मतलब पूरा पहरा इसी चीज़ पे है, ये एक बार पढ़ लेना आप। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है आपके किन फैक्टर से डिपेंड करती है, मेनली चार फैक्टर्स होते हैं, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और आपका इमिग्रेशन। नेटेलिटी वही आपका नंबर ऑफ बर्थ्स, मोर्टेलिटी आपका नंबर ऑफ डेथ्स, इमिग्रेशन आपका जो माइग्रेशन हो रहा है आपके इनटू द एरिया, इमिग्रेशन आपका जो माइग्रेशन हो रहा है आपका आउट ऑफ द एरिया। तो यहाँ पे ये ग्राफ दिया है, इसे आप देख के पता चल रहा है, इसे याद करने में कुछ खास नहीं है, अपने बनाए लोगे यार। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ग्रोथ मॉडल्स। ग्रोथ मॉडल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसकी इक्वेशंस, इसका ग्राफ, इसका पूरा थ्योरी पार्ट आपको लाइन टू लाइन पता होना चाहिए। इस चीज़ में आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि काफी कॉमन क्वेश्चन आ जाता है यार, बनता भी है ग्रोथ मॉडल्स पे सीधा सीधा। अब सबसे पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जब आपका रिसोर्स अवेलेबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होगी, तो जो आपके ग्रोथ है वो ये इक्वेशन फॉलो करते हैं, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। यहाँ पे आर आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, ये आपका पॉपुलेशन ग्राफ है यार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के लिए। ये आपको पता होना चाहिए यार, ये आर की कुछ वैल्यूज दी है, याद करवाओ तो कर लेना। इसका फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है इक्वेशन की, यहाँ पे एन टी एन नॉट ई आर टी, ये सारी चीज़ें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये आपको पता होना चाहिए। एन टी आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है आफ्टर टाइम टी, एन नॉट आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है एट टाइम जीरो, आर आपका इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, ये आपका बेस ऑफ नेचुरल एलोग्रिथम है। ठीक है यार, अब ये तो हो गए हमारे पॉपुलेशन मॉडल्स। अब दूसरा मॉडल है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ, पीछे ग्राफ में दिया हुआ था, इसका भी पीछे जो ग्राफ दिया हुआ था उसी में लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी दी हुई थी, तो ये पढ़ लेना यार। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं इसे, ये तब होती है जब आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, आपकी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। इसमें केस रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन में थोड़ी चेंज आ जाते हैं जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये इक्वेशन इसको और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम, और जितना भी थ्योरी पढ़ दिया यार ये पढ़ लेना यार, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद हमारा लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ये अगर पढ़ लेना यार, इस पर ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता है पर आने के चांसेस हैं, तो एक बार इसको पढ़ लेना, छोटा सा ही पैर है। उसके बाद आ जाता है इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अब पॉपुलेशन इंटरेक्शंस मेनली एनसीईआरटी में 6 टाइप की दिया यार, ये आपको पढ़ी होगी आपने, सबसे इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। सबसे पहला आपका पॉजिटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसे म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं, नेगेटिव नेगेटिव आपका कंपटीशन, पॉजिटिव नेगेटिव आपका प्रेडेशन, पॉजिटिव नेगेटिव पैरासिटिज्म, पॉजिटिव और नो इफेक्ट आपका कमेंसलिज्म, नेगेटिव और नो इफेक्ट आपका एमेंसलिज्म। अब इन सब का इस सिंबल्स के साथ आपको याद हो ही जाएगी, आप एक बार मतलब पढ़ लोगे तो, और उसके आगे एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स दिए हैं वो पढ़ लेना यार। वो प्रिडेशन में स्पेशली होते हैं, प्रिडेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये पढ़ लेना, इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहले प्रिडेशन दिया, तो प्रिडेशन में वही है, सबसे पहले तो प्रिडेटर्स के बेनिफिट्स दिए हैं, बेनिफिट्स ऑफ प्रिडेशन ये पढ़ लेना यार। उसके बाद एग्जांपल्स दिए हैं,
एग्जाम्पल्स, एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल्स भी दिए, रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स भी दिए, जितने भी एग्जाम्पल्स इसमें दिए वो पढ़ लेना। उसके बाद प्रेडेशन में दिए अडोप्टेशंस, अडोप्ट कैसे कर सकते हैं जो प्रे है अपने प्रीडेटर से बचने के लिए, वो दी हुई है यार, तो ये पढ़ लेना। यहाँ पे भी आगे एग्जाम्पल्स दिए और आपकी जो बचने के मेजर हैं वो दिए हुए हैं यार डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ये पढ़ लेना यार। इन पे सीधा सीधा एग्जाम्पल बनते हैं, सीधे सीधे आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट के लिए भी, अगर आपके अभी बोर्ड्स आने हैं तो बोर्ड्स के लिए भी। दूसरा आ जाता है आपकी कंपटीशन, कंपटीशन में भी वही है यार, इसके इल इफेक्ट सबसे पहले दिए हुए हैं यहाँ पे। नेगेटिव होता है कंपटीशन, और जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी में वो पढ़ लेना। मेनली आपको सारे इंटरेक्शन में ये पता होना चाहिए कि कौन सी इंटरेक्शन में पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कौन सी नेगेटिव होता है, कौन सी में कोई इफेक्ट नहीं होता, और एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए वो आपको अच्छे से आने चाहिए। क्वेश्चंस इन्हीं पे ही आते हैं, कुछ ज़्यादा खास आते नहीं हैं। और यहाँ पे कंपटीशन में एक स्पेसिफिकली आपको याद करना है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये एग्जाम्पल के साथ आपको याद करना है, एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल था ये, पूरा आपको याद होना चाहिए। बाकी एग्जाम्पल्स तो चैप्टर में देख लेना यार, मैं मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप अपने आप पढ़ो, आपको चीज़ें बता रहा हूँ मैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्क अपने आप करोगे तभी आपको अच्छे से याद आएगा, तो पढ़ो यार, मार्किंग अपने आप करो। अब तीसरे पे चलते हैं, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म वही आपका, पैरासाइट्स आपको पता ही है, पूरी बायोलॉजी में पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते रहते हो आप, तो इसमें कुछ खास दिया नहीं हुआ नया आपको। पैरासाइट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पता ही होंगे मोस्ट ऑफ, इसमें मेनली जो याद करना है वो मॉस्किटो आपका पैरासाइट होता है नहीं हो तो वो चीज़, और आपका ब्रूड पैरासिटिज्म, एंडो पैरासाइट्स, एक्टो पैरासाइट्स, इन चीज़ों पर क्वेश्चन आते हैं यार, ये सारा पढ़ लेना। फिर आ जाता है आपका कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म एमेंसलिज्म फिर भी थोड़ी नए टर्म्स होती है, क्योंकि इससे पहले के जितने भी टर्म्स हैं प्रेडेशन कंपटीशन पैरासिटिज्म ये आप बचपन से सुनते आ रहे हो, तो कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म में जनरली बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मैं भी हो जाता था कई बार, तो ये कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ लेना यार, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। अब उसके बाद म्यूचुअलिज्म, सबसे इम्पोर्टेंट है म्यूचुअलिज्म भी, इस पर स्पेसिफिकली रिलेशंस पे जो एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में भी काफ़ी एक्सप्लेन दिए हुए हैं, ये पढ़ लेना यार। फिगर मौत का एग्जांपल है, दूसरा आपका ऑर्चिड्स का एग्जांपल है, ये अच्छे से पढ़ लेना। स्यूडो सेक्सुअल डिफिशिट होता है इसमें, आपने पढ़ा ही होगा, ये पढ़ लेना यार, इस चीज़ पे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं, ना सिर्फ इस चैप्टर में बल्कि जब आपने फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है तो उस चैप्टर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस चीज़ इस टॉपिक से, तो ये मस्त है यार, ये पढ़ लेना। सूडो कोपलेटस में मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें, वाप्स पोलिनेट कौन करता होता है, मतलब पूरा आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी यार, आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी है, मार्किंग ट्राई करो, खुद करो, जितना आप खुद मार्क करोगे, जितना अपने हाथ से पेन चलाओगे यार, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो यार, फिर से वही बोल रहा हूँ, अब इसे आप चीज़ों को फाइनलाइज करोगे तभी आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे चलेगी आने वाले 3 महीनों में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बहुत ही कम बचा है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो यार अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।